हेलो फिफ्थ क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आदमी की पहचान, यानी कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। आदमी की पहचान किससे होती है? उसके चरित्र से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसकी बोली से होती है, उसके ओहदे से होती है। आदमी की पहचान कभी भी उसके कपड़ों से नहीं होती। तो इसमें एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक बड़े रईस आदमी को उसका किसी पार्टी में निवेदन मिला आने के लिए, लेकिन जब वो गंदे कपड़े पुराने कपड़े पहन के गया तो किसी ने उसको पहचाना नहीं, और जब वही अच्छे कपड़े पहन के गया तो उसको सबने पहचान लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे, तभी उनका सेवक कायार बोला, साहब दरवाजे पर कोई आदमी आया था। एक बार एक नसरुद्दीन साहब थे, वो घर पर आराम करते, तभी उनका नौकर आया और बोला, साहब दरवाजे के ऊपर कोई आदमी आया था। यह कौन था? लगा मैं उसे जानता हूँ। क्या मैं उसे जानता हूँ? नसरुद्दीन ने पूछा इससे कि क्या मैं इसे जानता हूँ? सेवक ने अपने दिमाग पर जोर डाला। सेवक ने सोचा और बोला, नहीं साहब, पहले तो उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ वह आपके लिए चिट्ठी दे गया। इसने सोचा कि नहीं, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन यह आपके लिए चिट्ठी दे के गया है। नसरुद्दीन साहब ने सेवक के हाथ से चिट्ठी ले ली। चिट्ठी पढ़कर नसरुद्दीन साहब बोले, नगर के एक धनी और इज्जतदार आदमी ने अपने यहाँ मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया। इसने बोला कि मुझे किसी नगर के इज्जतदार यानी कि बहुत सम्मानीय बहुत रेप्यूटेड पर्सन ने उसे एक फंक्शन में बुलाया है, यह तो बहुत खुशी की बात है साहब। नौकर ने बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर नसरुद्दीन साहब गहरी सोच में पड़ गए और बोले, नसरुद्दीन सोचने लग गया, गहरी सोच में बोला, भाई मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं है जो मैं उस बड़े से कार्यक्रम में पहन सकूँ, मुझे नए कपड़े सिलवाने होंगे। इसने क्या बोला कि अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मुझे नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे ताकि मैं उस इज्जतदार आदमी की पार्टी में जा सकूं। साहब मैं अभी दर्जी को बुला कर लाता हूँ। उसका नौकर गया और दर्जी को बुला कर लाया। नसरुद्दीन साहब अपने लिए रेशम का सुंदर सा कुर्ता सिलवाते हैं। नसरुद्दीन साहब अपने लिए क्या करते हैं? कुर्ता सिलवा देते हैं। आज कार्यक्रम का दिन है। जिस दिन पार्टी थी उस दिन नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्हें कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत देर हो गई, और उन्होंने सोचा आज का जब फंक्शन था तब नसरुद्दीन साहब किसी काम में फंस गए और कार्यक्रम में जाने का टाइम हो गया तो उन्हें बहुत देर हो गई, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं कपड़ों में कार्यक्रम चला जाऊं, यदि नए कपड़े पहनने के लिए घर गया तो देर हो जाएगी। उसने सोचा कि मैं इसी कपड़ों में कार्यक्रम में चला जाता हूं, अगर मैं नए कपड़े पहनने के लिए घर गया तो मैं लेट हो जाऊंगा। नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुंचे, उस धनी आदमी से मिले जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। नसरुद्दीन साहब इससे मिले और जो जिस धनी आदमी ने उनको बुलाया था कार्यक्रम के लिए, जिसने चिट्ठी भेजी थी, नमस्कार साहब कैसे आप? उसने नमस्कार किया। धनी आदमी की नज़रें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गई। जो धनी आदमी की नज़रें सीधे उसके कपड़ों के ऊपर गई और उसने सोचा कि शायद कोई निर्धन व्यक्ति, उसने सोचा कि कोई ये क्या है गरीब आदमी है ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गया। उसने नसरुद्दीन को अनदेखा कर दिया, इसने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इसको गरीब समझकर छोड़ दिया। कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। जो महंगे कपड़े पहन के चमक रहे थे और वहाँ खूब रौनक थी। वहाँ महंगे कपड़े पहनकर सब चमक रहे थे, लेकिन नसरुद्दीन साहब को किसी ने भी नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपल कपड़े पहने थे। नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए और अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा, नौकर ने पूछा, क्या हुआ साहब? आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, आप यहाँ क्यों आ गए? तो नसरुद्दीन ने सेवक को सारी बात बता दी और उसे जिसे सुनकर उसे भी अच्छा नहीं लगा। नसरुद्दीन सेवक की नई कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी दे। नसरुद्दीन ने क्या किया, नौकर को एक कुर्ते का डब्बा दिया नए का और चिट्ठी दी, जाओ इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दिया। उसने नौकर को बोला कि तुम इस चिट्ठी को और इस डिब्बे को जा करके उस धनी आदमी को दे आओ। सेवक उस पते पर पहुंचा जहाँ कार्यक्रम चल रहा था। वह धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, सेवक उस पते पर पहुंचा जहाँ पर वो फंक्शन चल रहा था। उसने उस अमीर आदमी को डब्बा दिया और चिट्ठी देते हुए बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन ने आपके लिए भिजवाया और साथ में चिट्ठी भी। उसने उसको एक डब्बा दिया और बोला कि डब्बा और चिट्ठी मेरे साहब ने आपके लिए भेजी है। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला, और उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया उसको। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, उसमें लिखा था, जब मैं आपके कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा, इसे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन।
नसरुद्दीन ने चिट्ठी में क्या लिखा कि मैंने आपके लिए कुर्ता भेजा जो कि बहुत महंगा है, मैं जब सस्ते कपड़े पहनकर आया था तब आपने मुझे कोई इज्जत नहीं दी, मुझे कुछ पहचान नहीं है, अब लगता है आप कपड़ों से ही जानते हो, तो लीजिए मेरा नया और महंगा कुर्ता और आप इसको इज्जत दे दीजिए। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को उसको सब समझ में आ गया। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला। वो धनी आदमी नसरुद्दीन के घर आया और बोला, नसरुद्दीन साहब मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मेरी नज़र आप पर नहीं आपके साधारण कपड़ों पर थी। इसने बोला कि हाँ मेरे को शर्म आ रही है कि मैंने आपके कपड़ों को देखा आपको नहीं देखा। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए, धनी आदमी को समझाते हुए बोले। नसरुद्दीन साहब मुस्कुराए और उसको समझाते हुए बोले, साहब ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। इसने बोला कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं उसके गुणों से होती है। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। उसने दोबारा नसरुद्दीन साहब को बोला कि आप चलो फिर से पार्टी में चलो। इस पर वो हंसकर बोले, हाँ हाँ जरूर चलेंगे, हाँ हम चलेंगे, अभी तो मेरे पास टाइम भी बहुत है, मैं अभी ये रेशम का नया कुर्ता पहनकर। उसने बोला मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत समय है, मैं नया कुर्ता पहनकर आता हूँ। नसरुद्दीन साहब और वो धनी आदमी जब दोबारा कार्यक्रम में पहुँचे, जब वो दोबारा उस कार्यक्रम में पहुँचे तो नसरुद्दीन नए कपड़े पहन के गए थे तो उनका अच्छे से बहुत स्वागत किया। हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए ना कि उसकी चीज़ों का।